हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अमर अभिषेक में आपका स्वागत है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th प्रश्न वाली 4.4 मैथमेटिक्स क्वेश्चन 3 है। क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे मान लेंगे। तो माना चौड़ाई, चौड़ाई हम क्या मानते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, तथा लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, चौड़ाई से दुगनी है तो 2x मीटर हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो 2x इंटू x बराबर 800 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं तो एक्स ये गुना के एक्स 2x² हो जाएगा बराबर 800 हो जाएगा। और अब यहाँ देख रहे हैं इसलिए 2x² इसको इधर ले आते हैं तो 800 के इधर आ जाएगा बराबर 0। देख रहे हैं कि यहाँ ax² और c है, तो हमारा यहाँ पे d हमारा निकल जाएगा। तो यह a बराबर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 2। b बराबर दिखते हैं, x का गुणांक कुछ नहीं है तो हम b हम 0 ले सकते हैं। तो c बराबर क्या हो जाएगा, -800। अब ये तो हो गया, क्योंकि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का है 0 का स्क्वायर, -4 × a है 2 × c है 800, -800। अब 0 हो जाएगा, +64 हो जाएगा ना, तो 6400 हो जाएगा। ये तो हो गया, तो बराबर 6400, क्योंकि d बड़ा है 0 से। तो अगर वास्तविक होगा और मूल और समान होगा तो हम x निकाल लेते हैं, तो इसलिए x रहा होता है -b (-√d/2a। तो यहाँ b क्या था हमारा, -0 था, तो 0 पुट कर दिए, +√6400/2 × a था हमारा 2। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 को किसी माइनस गुना करो इसी करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, +-6400 है तो 6400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, 4। ये जो हुआ 0 + -80/4। अब एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे। अब ये तो निकल गया, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम या एक्स बराबर हम क्या निकाल लेते हैं, 0 + 80/4। एक बार प्लस लिए, 80/4 बराबर हो जाएगा, कट के हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो या तो एक्स बराबर हम 0 - 80/4 लिए, ये हो जाएगा -80/4 = -20। लंबाई कभी भी माइनस में नेगेटिव में नहीं होता है, तो जो संभव नहीं है जो अमान्य है तो माइनस नहीं होगा। तो अतः एक्स का मान हम केवल 20 ही ले सकते हैं। तो अतः लंबाई बराबर हो जाता 2x मीटर बराबर 2x क्या है, एक्स का मान 20, तो 2 × 20 मीटर बराबर 40 मीटर। ये तो क्या, तथा चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, तो एक्स क्या 20 मीटर। ये हमारा निकल गया, लंबाई 40 और चौड़ाई 20, ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।